हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूँ ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो दोस्तों, एक बार फिर से प्रूव हो गया कि सपना न गलत थी, न गलत है और ना ही आगे कभी गलत होगी। कल का सपना का वीडियो देखने के बाद, ऑडियो देखने के बाद कहीं ना कहीं दिल को सुकून पहुँच गया कि सपना ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी और इनफैक्ट अभी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। तो जो इक्के दुक्के लोगों के दिल में सपना को लेके गलत फहमी थी ना, वो गलत फहमियाँ भी बहुत ही जल्दी सबकी क्लियर भी हो गई और धीरे धीरे न जाने आने वाले वक्त में आप लोगों के दिल और दिमाग में जो गलत फहमियाँ हैं वो भी क्लियर होती चली जाएंगी। इसीलिए बोलते हैं कि किसी पे भी उंगली उठाने से पहले ना थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार कर लेना चाहिए। एकदम से किसी के लिए भी कोई परसेप्शन अपने माइंड में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब ये सब चीज़ें सामने आती है ना तो फिर अपने ऊपर गिल्ट फील होता है कि यार हमने सामने वाले को कितना गलत समझ लिया था, जितना गलत वो था ही नहीं। तो कल के व्लॉग में सपना ने व्लॉगिंग तो नहीं लेकिन हाँ एक कॉन्वर्जेशन का ऑडियो ज़रूर डाला था, जिस ऑडियो को सुनने के बाद मैक्सिमम जनता क्या कहना चाहती है वो मैं बिल्कुल वेट करूँगी कमेंट सेक्शन में आप लोगों की कमेंट का, कि कल का सपना का जो ऑडियो की कॉन्वर्जेशन थी उनके इन लॉस के साथ उसके बारे में आप लोगों का क्या नज़रिया है। जहाँ पर सपना ने सबसे पहला सवाल उनसे यही बोला और यही बात बोली कि मैं शिवपुरी आऊँगी एक दो दिन में, जहाँ पर से सीधा जवाब आता है कि क्यों, अब क्या करने आओगी, ऐसे ही कुछ जवाब था ना। मतलब अगर एक इंसान अपने बच्चों को लेके आपके घर की बहू, आपकी पोतियों को लेके घर से चली गई और अगर वो कॉल करके खुद से आपको ये बोलती है कि मैं शिवपुरी आऊँगी, तो आप लोगों को पहले खुश होना चाहिए क्योंकि उसने बोला कि मैं आऊँगी, क्यों आऊँगी ये नहीं बताया, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आया कि क्यों आऊँगी, है ना। मतलब खुशी नहीं हुई इस बात की कि वो आएगी, सीधा सवाल किया गया कि क्यों आओगी। तब सपना ने यहाँ से बोला कि मुझे मेरी चीज़ें वहाँ से लेनी है, तो उन्होंने बोला अब यहाँ पे बचा ही क्या है, क्या लेके यहाँ से तुम जाओगी, यहाँ पे बचा ही क्या है, पूरा एक जो है टम्पर लेके तो तुम यहाँ से गए हो, यहाँ से लेके जाओगी क्या। और वो सब चीज़ें हम सब ने देखी है कि वो एक्चुअल में वहाँ से लेके आई क्या है। सारा का सारा कोलैबोरेशन का सामान, बच्चों के कपड़े और उसकी छोटी मोटी बेसिक नीड्स, सब कुछ सपना अब जो अपनी डेली लाइफ किचन सेट करेगी वो सब कुछ नया खरीद रही है और नया ख़रीदा है। वहाँ से तो वो कुछ भी लेके नहीं आई अपने कपड़ों के अलावा, क्या सिर्फ इन्हीं कपड़ों को लेके वो उस घर में एंट्री हुई थी उसकी, इन कपड़ों के अलावा क्या वो उस घर के अंदर कुछ भी लेके नहीं गई थी कि जाते वक्त आपने उसको कुछ भी देना, तो दूर की बात आप ये सवाल उससे पूछ रहे हो कि यहाँ पे अब बचा क्या है। उसके बाद यहाँ पे सपना बोलती कि क्यों नहीं बचा है, मेरी गोल्ड ज्वेलरी हैं, मेरे प्लॉट वगैरह के पैसे हैं, वो लेने मैं नहीं आऊँगी। तो उन्होंने बोला कि ज्वेलरी तो तुम्हारी नहीं है, मतलब ज्वेलरी को हमने भी अपने बड़े बुज़ुर्गों से और हमेशा से यही सुना है कि जो गहने बहू को चढ़ते हैं वो उसका स्त्री धन होता है और उन गहनों में बहू का पूरा पूरा हक होता है। और आज जब आपके घर की बहू के पति नहीं बचे, आप लोगों के आगे पीछे कोई नहीं है कि आप बोलो कि मैं हम सेकंड बहू को देंगे, हम थर्ड बहू को देंगे, आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो फिर वो गहने वो ज्वेलरी पे हक किसका है। अगर घर की बहू का ही हक नहीं है तो फिर हक किसका है। हमने खुद व्लॉग में सूरज जी को सपना को एक सेट गिफ्ट करते हुए देखा था जो अपने हाथ से उन्होंने सपना को पहनाया था, उस पर भी सपना का हक नहीं है। दादाजी को भी चेन गिफ्ट करते हुए देखा था, उस पर भी सपना का हक नहीं है। और शादी में जो चीज़ें सपना को चढ़ाई गई उसमें भी सपना का हक नहीं है। तो फिर अगर सपना के मायके से 17-18 लाख रुपए आए तो उस पर इन लोगों का हक कैसे हुआ। सपना की लाई हुई हर चीज़ पर इन लोगों का हक था, लेकिन सपना को चढ़ाई हुई किसी भी चीज़ पर अब सपना का हक नहीं है। ये लॉजिक से आप लोग अगर अग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता रहे, क्योंकि ये लॉजिक तो मुझे बिल्कुल दूर से दूर तक समझ में नहीं आया। जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है, जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस कहता है कि बहू को चढ़े हुए गहनों पे सिर्फ बहू का ही हक होता है, लेकिन इन्होंने ज्वेलरी के नाम पे बोला कि वो तुम्हारा नहीं है, जिस पे सपना ने उनके साथ आर्ग्यूमेंट भी नहीं किया। उसने भी बोला कि ठीक है, उसके बाद मेरे प्लॉट के पैसे, मथुरा वाला घर के पैसे,
कुछ तो मांगेगी ना। आप ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो यहाँ से इतनी आराम से निकल जाए और आपने दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह उसे निकाल दिया और उसके बाद आप उससे हालचाल नहीं पूछ रहे हो, कॉल नहीं कर रहे हो, तो वो वहाँ से एक्सपेक्ट भी कर रही है। और जब इंसान एक्सपेक्ट करता है तो इंसान हर्ट होता है। अगर एक्सपेक्टेशन नहीं रखता तो वो हर्ट नहीं होता। तो वो रोज़ एक्सपेक्ट कर रही है कि आज नहीं तो कल ये लोग फ़ोन कर देंगे या हमें बुला लेंगे, है ना। क्योंकि वो भी नाराज़ है इस वक्त, नाराज़ है पर नफ़रत नहीं करती। इस चीज़ का भी प्रूफ दूंगी वीडियो में आगे, आप लोग बने रहिएगा। तो उन्होंने ज्वेलरी देने से मना किया। उसके बाद सपना ने प्लॉट वगैरह के पैसे मांगे, जिस पे उन्होंने एग्जैक्टली बताया नहीं कि हाँ हम दे देंगे, हमें थोड़ा सा वक्त दो, हमें इतना टाइम चाहिए या हमें इतनी मोहलत चाहिए। उसके बाद जब सपना ने घर बोला कि मथुरा वाला घर मैं रखूँगी और मैं आपको पैसे दे दूँगी, सामने से उसने ये बात बोली कि मैं आप वो घर रखूँगी और मैं आपको पैसे दे दूँगी, जिसमें उनके ससुर जी कहते हैं कि क्यों अब मैं वो घर रखना चाह रहा हूँ वहाँ से तू वो घर रखना चाह रही, तो इसका सलूशन कैसे निकलेगा। जिस पे सपना ने बोला कि आपके पास तो ऑलरेडी घर है, आप ऑलरेडी एक छत के नीचे रह रहे हो, आपके पास फार्म हाउस है, गाँव की इतनी ज़मीन जायदाद है जो आपकी है या आपके पूर्वजों की है, उस पर तो मैं अपना हक नहीं मांग रही हूँ, मैं कुछ भी चीज़ें नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक घर एक ठिया ठिकाना तो मुझे भी चाहिए होगा। क्योंकि मथुरा वाला घर इन सब का एक ड्रीम हाउस ही आप बोल सकते हो, जिसमें मैक्सिमम पैसा सपना का लगा हुआ है। सपना ने जो दो प्लॉट खरीदे थे अपने यूट्यूब के इनकम से, वो सेल होके उसका पूरा का पूरा पैसा मथुरा वाले घर पे लगा और भी एडिशनल पैसा लगा, तो उसमें मैक्सिमम पैसा सपना का लगा हुआ है। और अब क्योंकि वो घर से बाहर निकल ही गई है, तो सबसे पहले एक इंसान को टेंशन होती है कि कैसे भी करके मैं अपने घर का इंतज़ाम करूँ, कि मेरे बच्चों को सर पे छत मिल जाए, यही तो वो अभी वो कर रही होगी। लेकिन इतना पैसा नहीं होगा कि कहीं पे कुछ घर ले पाए, तो अपना लगा हुआ पैसा तो मांग सकता है ना फिर इंसान। तो वहाँ पे जब उसने घर मांगा तो उनके ससुर जी ने भी वहाँ से बोला कि मुझे भी वो चाहिए, जिस पे उनका भी बोलना जायज़ था कि यार आपके सर पे तो छत है ना, पूरा घर है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो कहते ले तो लिया तूने भी ग्वालियर वाला घर, क्या उन लोगों को ये पता नहीं? तमाम YouTube को पता है, सारी सोशल मीडिया को पता है, हम उनको जानते नहीं, उनके रिश्तेदार नहीं हैं, हमें पता है कि घर रेंट पे लिया है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि ले तो लिया तूने ग्वालियर में घर। कौन सी दुनिया में हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है? और डेफिनेटली अगर सपना ने एकदम से कॉल करके इन चीज़ों की डिमांड करी है ना, क्योंकि उसने एक हिंट दी थी कि उसको वाया वाया ये चीज़ें पता चली हैं कि इन लोगों का नेक्स्ट प्लान क्या है, और उस प्लान के अकॉर्डिंग वो भी यहाँ से क्विकली अपनी चीज़ें समेटना चाह रही, क्योंकि इन लोगों का एक्चुअल में कोई भरोसा नहीं है। अगर इन्होंने कुछ प्लानिंग करी है और वो प्लानिंग एग्जीक्यूट कर ली तो बाद में सपना को बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो वो इसीलिए चाह रही है कि भाई मेरे हिस्से का पैसा मुझे दे दो, ताकि मैं अपना वो पैसा सही जगह पे लगाऊं, क्योंकि बाद का किसी का कोई भी भरोसा नहीं होता। तो यहाँ पे उनके ससुर जी उनको मथुरा वाला घर देने को तैयार नहीं है, और यहाँ पे सपना मथुरा वाला घर लेना चाहती है और उनको जो पैसा उन्होंने लगाया वो पैसा उन्हें देना चाहती है। इसी के साथ साथ अपनी बच्चों की भी उन्होंने डिमांड करी कि मेरे बच्चों का हक भी मुझे चाहिए। बच्चे उनके पति के भी तो थे और पति उनके भी तो बच्चे थे, जिस पे उनके ससुर जी ने साफ बोला कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक कोई हक कोई वो नहीं है, मेरे बाद इन्हीं का होने वाला है, मेरे बाद इन्हीं का है, लेकिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक कोई भी हक वक नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपका परिवार साथ है, एक साथ रह रहा है, तब किसी को इनसिक्योरिटी नहीं होती, है ना, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। लेकिन यहाँ पे अगेन मैं बोलूँगी कि इन्होंने दूध पे पड़ी हुई मक्खी की तरह बाहर कर दिया है, तो वहाँ पे उसके दिल में भी इनसिक्योरिटी तो होगी ना। और अपना हक मांगना गलत नहीं होता, अपना हक अगर वो लीगल तरीके से मांगेगी तो शायद उसे हर चीज़ का हक मिलेगा, उसका खुद का भी हक उसे मिल जाएगा जो एक पत्नी का बनता है दोनों पतियों से, वो भी मिल जाएगा। लेकिन वो उतना ही मांग रही है जितना उसका बनता है, उसकी बच्चों का बनता है, है ना। ऐसा तो फिर कल को हर सास ससुर यही करेंगे। ये एक इन्फ्लुएंसर है, एक एग्ज़ाम्पल इन्हें सेट करना पड़ेगा ऐसा कि आने वाले किसी भी औरत के साथ कभी ऐसा होता है तो उसे पता हो कि मुझे अपने हक के लिए लड़ना है। सपना आज सक्षम है, उसके पास चलो आज पैसे हैं, कमा रही है, एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी होती जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती, और उसके बाद जब उनके ससुराल वाले ऐसा कर देते हैं तो सोचिए कि उन लोगों के लिए ज़िंदगी जीनी कितनी मुश्किल हो जाती है।
बच्चों का हक तो उन्हें मिलना चाहिए, इस चीज़ के लिए आप सब लोग अग्री करेंगे। अगर साथ रहते तो वो हक शायद कभी मांगती ही नहीं, क्योंकि उसे पता होता कि ये हमारा ही है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई हैं कि ये बोल रहे हैं कि जब हम जाएंगे तो हमारे जाने के बाद इन्हीं का होगा। क्या इस चीज़ की कोई गारंटी है? क्या ऐसी कोई वील ये लिख के जा रहे हैं? कोई ऐसी इन्होंने वसीयतनामा लिख दिया है? नहीं। जो जीते जी उन बच्चियों को घर से बाहर कर सकते हैं, जो जीते जी अपनी अकेली बहू को घर से बाहर कर सकते हैं, जिस बहू को पढ़ने के लिए इन्होंने दहलीज पार नहीं करने दी कि नहीं हमारे यहाँ घर की बहुएँ घर से बाहर नहीं जाती हैं, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करती हैं, है ना, उस बहू को दो बच्चियों के साथ इन्होंने ईजीली आराम से जाने दिया, तो फिर उसके बाद क्या क्या सिक्योरिटी है इस बात की कि कल को वो उन बच्चों को कुछ देने वाले भी हैं? वेल, सपना ने साफ तौर पे बोला, क्योंकि उन्होंने भी वहाँ पे साफ तौर पे पूछा कि ये सब तू रिकॉर्ड कर रही है, तो वो सपना ने बोला कि हाँ मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं ये सारा का सारा डालूंगी भी। कुछ छुपा के नहीं बोला और सच बोला कि मैं सब कुछ डालूंगी, और हाँ अगर आपका भी कोई पक्ष है, कुछ चीज़ आप बोलना चाहते हो तो आप भी बोल दो। अगर आपको कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ शिकायत है तो आप भी बोल दो, क्योंकि ये वीडियो में अनकट पूरी की पूरी डालूंगी रिकॉर्डिंग। जिस पर उन्होंने कहा कि हमारा पक्ष तो ईश्वर है, हमें कोई पक्ष नहीं रखना। तो यहाँ पे भी शायद तमाम उन लोगों को सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो उनका पक्ष सुनना चाह रहे होंगे, कि वो कोई भी पक्ष सुनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। उन्हें सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना है ही नहीं, उन्हें कोई भी मतलब नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल बिल्कुल मगन है। जिन्होंने आज तक कैमरा उठा के कोई भी एक वीडियो नहीं बनाई, बहू के बाहर जाते ही वो एक स्कूटी की पूरी वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो वो अंशु को फॉरवर्ड करते हैं। क्यों? क्या वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अंशु वो वीडियो अपने व्लॉग में दिखाए या डाले और सामने वाले को डीमोटिवेट फील हो? आज तक उन्होंने कभी छोटे बच्चों की भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी कि चलो आज हमने ये वीडियो बनाई है सपना, तुम अपने व्लॉग में डाल लेना, यहाँ पे ये क्लिप ऐड कर लेना। लेकिन अब वो वीडियो बना के अंशु को फॉरवर्ड कर रहे हैं। अंशु के चैनल पे तो पिछले 7 दिन से कोई भी व्लॉग कुछ भी नहीं आया है, कोई अपडेट नहीं है कि वो वहाँ कैसी है, क्या कर रही है, घर की सिचुएशन कैसी है। बस एक ही व्लॉग उन्होंने डाला था, उसके बाद अंशु का कोई भी व्लॉग नहीं आया है। तो ये सारी चीज़ें कल ऑडियो रिकॉर्डिंग में हमने सुनी कि किस तरीके से जब सपना ने अपना हक मांगा तो उन लोगों का रिस्पॉन्स वहाँ से कैसे आया। उन्होंने नहीं बोला कि हाँ ठीक है तुम आ जाना, अभी हमारे पास जितने पैसे हैं हम तुम्हें वो उतने पैसे दे देंगे, या हम इस तारीख को दे देंगे, या हमें इतने दिन का टाइम दो हम तब दे देंगे, ऐसा कुछ भी उन्होंने ऑडियो में नहीं बोला। उसके बाद भी आप सपना की अच्छाई देखिए कि जब उन्होंने कॉल किया, वो भी जब सपना इतना रोई, एक मैसेज पहुंचाने का ज़रिया होता है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पे उसने बार बार ये शिकायत करी कि हमारे जाने के 3 दिन हो गए कोई कॉल नहीं आया, आज 4 दिन हो गए कोई कॉल नहीं आया। फिर उसने एक लाइव करी जिस लाइव में उसने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, और अभी भी वो कह रही है कि ऐसे बहुत सारे और बातें हैं जो सिर्फ मुझे और उनको पता है, बाकी किसी को नहीं पता। अभी तो मैंने लाइव में कुछ बातें बोली जिसकी वजह से वो लोग हिल गए होंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारी बातें वो बोल रही हैं। और उसके बाद उन्होंने कॉल किया, जिस कॉल करने के बाद सपना ने बहुत प्यार से बच्चों से उनकी बातें करवाई, और उन्हें देख के भी ऐसा लग रहा था कि बच्चों के साथ वो भी बहुत प्यार से बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं दिल में उनको भी बच्चों के जाने का बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन इस समय पता नहीं कौन सा ईगो उन लोगों के सर पे चढ़ा हुआ है या किस बात का इतना ज़्यादा वो चिढ़े हुए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप अपने खुद के बच्चों को माफ़ कर देते हैं ना, उनकी गलतियाँ भुला देते हैं और उन पर अपनी जान प्राण न्यौछावर कर देते हैं, इसी तरीके से अब उनके घर की बहू ही उनका सब कुछ है, तो उसको बहू से ज़्यादा इन्हें बेटी बना के रखना चाहिए था। जैसे बेटी की सारी गलतियाँ माफ़ होती हैं और हम उनको सही के लिए शिक्षा देते हैं, ऐसे ही बहू को भी करना चाहिए। किसी भी बहू के दिल में इतनी इनसिक्योरिटी डेवलप मत करो कि वो फिर ये कदम उठा लें। इन लोगों ने एक्चुअल में उसको इनसिक्योर कर दिया था बहुत सारी चीज़ों को लेके, तेरा ये भी नहीं, तेरा वो भी नहीं, तेरा ये भी नहीं, तो वो इनसिक्योर हो गए कि अगर मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैं इस जगह पे अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रही हूँ, अपना पैसा वेस्ट कर रही हूँ, और अगर मेरा कुछ भी नहीं है तो फिर ये सब कुछ मेरा करना बर्बाद है, मेरी बच्चियों का आगे भविष्य है और ये लोग तो इस चीज़ की कोई गारंटी ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन फिर भी उसने बहुत प्यार से बच्चों से बात कराई, बच्चों को कह रही थी कि नमस्ते करो, और साथ साथ बार बार ये भी कह रही थी कि आपका जब दिल करे अब तब फ़ोन कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है आप फ़ोन कर लिया करो। तो उसने
अपने आप को ज़रूर दूर करा लेकिन बच्चों को उनके दादा दादी से दूर नहीं करा, और इससे ये प्रूव होता है कि वो आज भी उम्मीद लगा के बैठी है। और अगर आज भी वो लोग प्यार से उससे बात करते हैं तो आपने देखा ना, बोलते हैं कि हम इंसान को नफ़रत से नहीं सिर्फ प्यार से ही खरीद सकते, लेकिन वो प्यार दिखावा नहीं होना चाहिए। जैसे कई सालों से वो लोग दिखावे का प्यार कर रहे थे सपना से, प्यार के नाम पे कभी उससे किसी चीज़ में साइन करा लेते थे, कभी किसी चीज़ में साइन करा लेते थे। तो प्यार दिल से होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। तो उसने अभी भी बहू होने का फ़र्ज़ निभाया, उन दादा दादी से अपनी बच्चियों को दूर नहीं करा, उनकी इज्जत में कमी नहीं करी, बहुत प्यार से बोला आप फ़ोन कर लिया करो, आप बात कर लिया करो, वो लोग भी वहाँ से बात कर रहे थे। तो यहाँ से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी बच्चों की वजह से बन सकती है कि अगर उन दादा दादी के दिल में बच्चों के लिए ही प्यार डेवलप हो जाए ना, तो अभी भी वो इस घर को टूटने से बचा सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि सपना पीछे नहीं हटेगी, अगर उन्होंने प्यार दिखाया और उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया तो सपना पीछे नहीं हटेगी, वो भागी भागी जाएगी उनके पास। लेकिन मैटर ये करता है कि वो प्यार सच्चा हो, वो प्यार दिखावा ना हो, या वो प्यार बनावटी ना हो, या फिर से एक खेल ना हो सपना की ज़िंदगी के साथ। क्योंकि ये खेल उसको आज नहीं लेकिन इन फ्यूचर भारी पड़ जाएगा, वो अपने आप को बिल्कुल इनके लिए न्यौछावर कर देगी, लास्ट में उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये सारा कल के व्लॉग में हमें देखने को मिला, तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो इस पर मैं बनाती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। और साथ साथ जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग नए जुड़ रहे हैं, तो आप लोग चैनल में वीडियो देख लेते हो पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करा करो। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे, बहुत सारे व्लॉगर्स पे मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ, तो आप लोगों को देख के अच्छा लगेगा, एक नया अनुभव मिलेगा और अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।